हेलो दोस्तों, इजी टू डिजाइन में आपका स्वागत है। आज हम फ्यूचर टूल में रिवॉल्व बॉस बेस सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें एक प्लेन सेलेक्ट करना होगा, तो हम टॉप प्लेन सेलेक्ट कर लेते हैं। हमें एक स्केच बनाना होगा जिसे हम रिवॉल्व करेंगे। रेक्टेंगल कमांड की मदद से एक कॉर्नर रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। इसका डायमेंशन दीजिए 70 mm, एंटर। 85 mm, एंटर। आप चाहें तो स्केच मोड से बाहर जाके फ्यूचर टूल्स लगा सकते हैं या फिर डायरेक्ट फ्यूचर टूल्स लगा सकते हैं। तो हम डायरेक्ट फ्यूचर टूल्स लगाएंगे। तो फीचर्स पे क्लिक करें। यहाँ पे सारे 3D टूल्स दिए गए हैं। आज हम रिवॉल्व बॉस बेस सीखेंगे, तो रिवॉल्व बॉस बेस पे क्लिक करें। तो अब आपका रिवॉल्व बॉस बेस कमांड एक्टिव हो गया। एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन में आपको एक एक्सिस सेलेक्ट करना होगा, एक्स या वाई, जिसके अराउंड रिवॉल्व होगा। तो हम वाई एक्सिस सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो ये देखिए वाई एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व हो गया 360 डिग्री पे। आप चाहें तो एंगल कम भी कर सकते हैं। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एंगल इनपुट कर सकते हैं। अंडू कीजिए। फ्यूचर्स रिवॉल्व वॉश बेस सेलेक्ट कीजिए एक्सिस। इस बार हम एक्स एक्सिस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एंगल 315 डिग्री, एंटर। ओके, तो ये देखिए 315 डिग्री पे यह रिवॉल्व हो रहा है। इसमें एक और फ्यूचर्स बच रहा है, थिन फ्यूचर्स। चलिए उसे देखते हैं। अंडू कीजिए। फ्यूचर्स रिवॉल्व बॉस बेस सेलेक्ट कीजिए एक्सिस वाई एक्सिस और इसका एंगल 310 डिग्री, एंटर। और यहाँ पे थिन फ्यूचर पे क्लिक करें। तो थिन फ्यूचर में तीन टूल दिया गया है, वन डायरेक्शन, मिड प्लेन और टू डायरेक्शन। पहले हम वन डायरेक्शन देखते हैं। इसका थिकनेस 15 mm, एंटर। या ज्योमेट्री कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, इसलिए यह थिन नहीं हो पा रहा है। इसका डायरेक्शन चेंज कीजिए। तो देखिए यह इनसाइड थिन हो रहा है। उसके बाद मिड प्लेन, तो यह भी ज्योमेट्री कंडीशन के कारण थिन नहीं हो पा रहा है। टू डायरेक्शन, ओके, यहाँ भी ज्योमेट्री कंडीशन फुलफिल नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे एक ही कंडीशन फुलफिल हो पा रहा है, वो है वन डायरेक्शन इनसाइड। ओके, तो देखिए ये इनसाइड होलो हो गया और इसका थिकनेस 15 mm। थिन फ्यूचर में मिड प्लेन और टू डायरेक्शन टूल देखते हैं। अंडू कीजिए। नॉर्मल, यहाँ पे हम एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे लाइन कमांड की मदद से। इसका डायमेंशन 90 mm, एंटर। फ्यूचर्स रिवॉल्व बॉस बेस, इसका एंगल 315 डिग्री, एंटर।
अब इसमें थीम फीचर लगाएंगे। थीम फीचर्स पे क्लिक करें। यहाँ पे देखिए वन डायरेक्शन में ये आउटसाइड थीन हो रहा है, और अगर रिवर्स डायरेक्शन करेंगे तो ये इनसाइड थीन हो रहा है, और वहाँ पे सिर्फ इनसाइड हो रहा था और आउटसाइड नहीं हो रहा था। उसके बाद मिड प्लेन, तो देखिए ये मिड प्लेन से दोनों साइड इक्वल डायमेंशन में थीन हो रहा है। ओके कीजिए। तो देखिए ये थीन हो गया मिड प्लेन से। अंडू कीजिए। फ्यूचर्स रिवॉल्व बॉस बेस, इसका 315 डिग्री एंटर, थीन फ्यूचर, अब टू डायरेक्शन। देखिए ये दोनों डायरेक्शन में थीन होएगा। तो पहला का 12 mm एंटर और दूसरा 13 mm एंटर। ओके कीजिए। तो ये देखिए टू डायरेक्शन में थीन हो गया। ये तो था सिंगल स्केच। अगर डबल स्केच रहे तो हम कैसे रिवॉल्व बॉस बेस लगाएंगे, चलिए देखते हैं। अंडू कीजिए। नॉर्मल, एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। स्केच मोड से बाहर जाइए, रिवॉल्व बॉस बेस सेलेक्ट कीजिए एक्सिस। तो देखिए ये दोनों स्केच ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया। अगर आपको एक ही स्केच सेलेक्ट करना है तो नीचे एक ऑप्शन है सेलेक्टेड कॉन्टूर्स, इस पर क्लिक करें। और अब आप जो भी स्केच को रिवॉल्व करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। ओके, तो ये देखिए एक ही स्केच रिवॉल्व हो रहा है। रिवॉल्व पे राइट क्लिक करें और एडिट फीचर्स। अगर आप दूसरा स्केच भी सेलेक्ट करेंगे, ओके, तो ये देखिए दोनों स्केच रिवॉल्व हो रहा है। बहुत आसान है, आप प्रैक्टिस करते रहें। दोस्तों हमें बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।